अनिल कपूर के नायक फिल्म तो आप सभी को याद होगी, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के सीएम बने थे। ऐसा ही कुछ वाक्या वाराणसी से भी सामने आया है, जिसमें कैंसर से पीड़ित एक यूकेजी के एक छात्र को एक दिन के लिए वाराणसी जोन का एडीजी बनने का मौका मिला। उसे बच्चों को यह उपलब्धि जून के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया ने प्रदान की। बता दें कि 7 साल की प्रभात कुमार रंजन को कैंसर है और वह लास्ट स्टेज पर है। उसकी इच्छा के लिए उसे एक दिन के लिए एडीजी जून की कुर्सी पर बैठाया गया, जहां पुलिस कर्मियों ने उन्हें सलामी दी। पुलिस कर्मियों के समय छात्र उनके परिजनों के लिए बहुत ही भावुक पल था। पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस कर्मियों को गारद ने उन्हें सलामी दी। एडीजी का चार्ज लेने के बाद प्रभात कुमार ने कार्यालय और परेड का निरीक्षण किया और पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों ने सभी जानकारी प्रभात कुमार के साथ साझा की। बता दें कि बिहार के सुपौल जिले के तेकुना प्रतापगंज का रहने वाला रंजीत कुमार दास का पुत्र प्रताप 7 साल का है और वह ब्रेन कैंसर के अंतिम स्टेज से पीड़ित है। प्रभात का इलाज वाराणसी के लहर तारा स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है। प्रभात की इस इच्छा के मेक ए विश नामक संस्थान ने पूरा किया। बता दें कि यह संस्था इस प्रकार के गंभीर रूप से पीड़ित बच्चों की इच्छाओं को पूरी करती है। मिली जानकारी के अनुसार संस्था के सदस्यों ने कैंसर अस्पताल में प्रभात से मुलाकात की थी और इस दौरान उसने IPS बनने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद संस्था के लोगों ने इसकी जानकारी ADG जोन पीयूष मोडिया को दिया था। इसके बाद प्रभात के माता पिता और प्रभात को कार्यालय बुलाया गया, जहां सभी संस्था के लोग भी मौजूद थे। ADG ने उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए UKG के छात्र को एक दिन का प्रभाव और चार्ज लेने के बाद प्रभार को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत भी किया गया। इसलिए कहते हैं कि इंसान के अंदर अगर जिंदा दिली मौजूद हो तो कोई भी बीमारी या कोई भी परिस्थिति उसे कमजोरी नहीं बना सकती, ना हरा सकती।